जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के वर्तमान छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष वर्तमान बस्तर के सांसद को मात दी है 8000 से अधिक मतों से, और उसी शख्स के गांव में पहली बार स्वागत हो रहा है विनायक गोयल, जो भारतीय जनता पार्टी से 8000 से ऊपर वोटों से जीत हासिल की है। आज हम विनायक गोयल से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस जीत के पीछे का राज क्या है, क्या उसमें किसकी मेहनत है। आज इनके कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है, इनके गांव में भोजन कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं विनायक गोयल जी से। विनायक गोयल जी ना जी, गोयल साहब, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर के सांसद को आपने 8000 से ऊपर मतों से जो मात दी है, आप इसमें सबसे बड़ा ये जीत के पीछे किसको श्रेय देना चाहते हैं और ये कितना चैलेंज मानते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पर चित्रकूट विधानसभा पीसीसी अध्यक्ष साथ लड़ना एक चुनौतीपूर्ण था, मगर मेरे को विश्वास था, जनता का विश्वास था, एक एक कार्यकर्ता का विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट विधानसभा से विजय हो रही है। और लोगों ने बहुत ही मेहनत की, अपने जनता, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जितने भी हैं, ये पोलिंग स्तर तक इन्होंने आखिरी अंतिम व्यक्ति तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मैं इनको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरा कार्यकर्ता को, मेरा जनता को, क्योंकि इनको विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे चित्रकूट विधानसभा में 10 साल से विधायक नहीं थे, और हमारे जनता इतने परेशान थे कि कांग्रेस सरकार से 5 साल में एक भी विकास के जो वादा किए थे, 36 वादा किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और लोगों में आक्रोश था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल रमन सरकार ने चलाया उसी सरकार को वोट देंगे, उन्हीं को जिताना है, ये जनता का विश्वास था। जनता के साथ हमारे कार्यकर्ता जो पोलिंग स्तर पर मेहनत की, उनका फल हमको मिला और जनता का आशीर्वाद मिला। मैं इसी के साथ एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि धर्मांतरण का मुद्दा है जो काफी बड़ा चल रहा है, और इसी के आपके चुनाव में भी चल रहा था, और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी धर्मांतरण के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको आप क्या मानते हैं? और ये दोनों पक्षों से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस चीज को आप कितना बड़ा मानते हैं और क्या हकीकत में हो रहा है धर्मांतरण, जो पीसीसी चीफ के ऊपर भी आरोप लगे थे? जी जी, हमारे चित्रकूट विधानसभा निश्चित तौर पर हो रहा है, क्योंकि धर्मांतर जो हमारे आदिवासी भाइयों को बुरला के फुसला के जो कांग्रेस के पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ जगह पर चर्च खुलवाया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं कहीं ये धर्मांतर वाला बात ये हमारे लिए खाता गए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो नरेंद्र मोदी जो सोच रहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, मगर धीरे धीरे हमारे आदिवासी भाइयों जो कांग्रेस उसमें क्रिश्चन में कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि वो मुद्दा भी था, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष ने कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं चर्च भी उद्घाटन किया, उसका फायदा हम लोग को मिला, क्योंकि हमारा जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाले जो कांग्रेस के सरकार लगातार हर पंचायत में आसपास के पंचायत कहीं कहीं गांवों में चर्च खुलाया गया कांग्रेस के विधायक इनके पीसीसी अध्यक्ष के माध्यम से, और हमारे जो जनता है, जनता का विश्वास था कि आने वाले समय में जो क्रिश्चियन धर्म लोग जो कन्वर्ट हुए उनको भी धीरे धीरे लाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आने वाले समय में जितने हमारे आदिवासी जो कन्वर्ट हुए उनको लाने का हमारा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में सभी धर्मांतरण छोड़ के हमारे हिंदू धर्म में आएंगे। जी, तो विनायक गोयल का पहला जो कार्य है, जो जटिल मुद्दा आप समझते हैं वो क्या है, और वो कौन सा है जो चित्रकूट विधानसभा के लिए आप सुलझाएंगे? जी, मुद्दा तो बहुत है यहाँ पर, क्योंकि 10 साल से हमारा विधायक था नहीं, क्योंकि 10 साल नहीं उन्होंने विकास किया नहीं। मैंने बास्तानार ब्लॉक में देखा, एक जगह ऐसा है वहाँ लाइट नहीं पहुँचा है, रोड नहीं है, पानी अभी भी कुआं का पानी पी रहे हैं। ये सबसे पहले मेरे को पानी का व्यवस्था करना है, नल जल योजना का व्यवस्था करना है, जो केंद्र की योजना चल रहा है पाइपलाइन के द्वारा घर घर नल जल, वो व्यवस्था करूँगा। जहाँ रोड का व्यवस्था नहीं है उस जगह रोड बनाने का पूरा मैं ग्रामवासियों को जनता को बोल के आऊँ कि जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी, साथ साथ में केंद्र में जो मोदी जी की सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार बनेगी, तो डबल काम होगा। जहाँ मैंने बोला था चुनाव समय, चाहे पानी का व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, जहाँ सीसी रोड का व्यवस्था हो, जहाँ पहुँच नहीं पाते हैं लाइट का व्यवस्था हो, ऐसे व्यवस्था को मैं लेकर पार्टी के पास रखूँगा, और मेरे विधानसभा में जो भी काम रुका है 10 साल के अंदर वो विकास करने के लिए मैं संपूर्ण रहूँगा। मैं तो ये थे चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, जो पीसीसी चीफ दीपक बेज को एक बड़े अंतराल से हराया है, और अब विकास कार्यों की बात करते हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे हम
कि यहाँ पर जो चित्रकूट विधायक जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदों पे खरा उतरेंगे चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल? तो हम एक यहीं पे कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सुरेश दास। सुरेश दास जी, यहाँ पे आप चित्रकूट के विधायक जो विनायक गोयल फिलहाल यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पे जो आज लोग स्वागत कर रहे हैं, आपको किस तरह का मानते हैं? यहाँ पे क्या जटिल मुद्दे हैं, क्या समस्या है, और क्या आप विकास की क्या नई गाथा यहाँ पे चाहते हैं? ये विनायक गोयल भैया जो है विकास पर तो उद्धार करेंगे ही जी, निश्चित करेंगे ही, और जो जो योजना है उसका तो लाभ सब जन ग्रामीण को देंगे जी। तो भारतीय जनता और जनता पार्टी की सरकार आने से यहाँ की जनता में कितनी खुशी है? खुशी तो आपको दिख ही रहा है यहाँ। बिल्कुल, देखिए भारतीय यहीं पर और भी काफी लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की जो समस्या कितनी है और कितनी समस्याओं पर निराकरण हुआ है। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ मैं